का युद्ध 2 अक्टूबर है, यह राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम पूरे देश के लोग इसको मनाते हैं। गांधी जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में लिखा गया, क्योंकि उन्होंने देश को आजाद कराने में अहम भूमिका अदा किया था। उन्होंने हाथ जोड़ करके लोगों को शांत का पाठ पढ़ा करके अहिंसावादी बना करके और ऐसे समय पर अंग्रेजों से विजय पाई थी कि जब लोग कहते थे कि सूरज यहां से निकलता है और जहां अस्त होता है वहां तक अंग्रेजों का राज्य है, अंग्रेजों को कोई हिंदुस्तान से हटा नहीं सकता है। लेकिन अहिंसा का पाठ पढ़ा करके, शांत का पाठ पढ़ा करके, छोटा बनना सिखा करके उन्होंने देश को आजाद करा दिया था। अब पर्व तो लोग मनाते हैं, गांधी जी को याद करते हैं, गांधी जी का जगह जगह पर फोटो लगा रखा है और जगह जगह पर उनका जन्मदिन और हर तरह की चीजों को मनाते हैं। लेकिन जो उन्होंने पाठ पढ़ाया उस पाठ को लोग भूल जा रहे हैं। क्या पाठ उन्होंने पढ़ाया? अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा यानी जीवों पर दया करना। जो उन्होंने सिखाया उस पर लोग अमल नहीं कर रहे। कितना भी आओ परमानंद, कितना भी पूर्व मिठाई आप खा लो, लेकिन महापुरुषों का इतिहास जो रहा है और उस इतिहास में उन्होंने जो लोगों के लिए काम किया है, जो उन्होंने त्याग और तपस्या लोगों के लिए बहुत के लिए किया, उस तपस्या को अगर आप नहीं कर पाओगे, अगर आप उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चल पाओगे, उनका अनुकरण अगर नहीं कर पाओगे, तो आपकी मेहनत बेकार जाएगी, उसका कोई फायदा लाभ नहीं होगा।